नमस्कार, इंडिया न्यूज से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं देहरादून और देवभूमि की खबरें। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रक्षा मंत्री राज्य मंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के बिना शुरू करनी पड़ी बैठक। आधे घंटे का इंतजार करने के बाद भी सचिव नहीं पहुंचे, बड़ी जानकारी इस वक्त की। मुख्य सचिव के बिना ही शुरू करनी पड़ी बैठक। आधे घंटे तक इंतजार करते रहे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में बीआरओ के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव आर के सुधांशु समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देहरादून पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पहले दिल्ली से धारचूला के लिए रवाना हुए थे अजय भट्ट और खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उनका नहीं उतर पाया। खटीमा में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद अजय भट्ट देहरादून पहुंचे हैं। तो यह बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, मुख्य सचिव के बिना ही बैठक शुरू करनी पड़ी है। मुख्य सचिव यहां पर नहीं पहुंचे, करीब आधे घंटे तक इंतजार करते रहे राज्य मंत्री, लेकिन मुख्य सचिव नहीं पहुंचे। उसके बाद उनके बिना ही बैठक शुरू हुई। खटीमा में भी श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, रक्षा राज्य मंत्री की बैठक में मुख्य सचिव नहीं पहुंचे और इस वजह से मुख्य सचिव के बिना बैठक शुरू करनी पड़ी। आधे घंटे इंतजार करने के बाद भी यहां पर मुख्य सचिव नहीं पहुंचे और खटीमा में शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है, रक्षा राज्य मंत्री की बैठक में मुख्य सचिव का नहीं पहुंचना चर्चाओं में है। और हालांकि जब मुख्य सचिव करीब आधे घंटे तक भी नहीं पहुंचे, उसके बाद उनके बिना ही बैठक उन्होंने शुरू की। करीब आधे घंटे का इंतजार किया, उन्होंने खटीमा में शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रवीण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, राज्य मंत्री यहां पर पहुंचे थे और उनकी बैठक में मुख्य सचिव का नहीं पहुंचना चर्चाओं में, क्या कुछ जानकारी? प्रवीण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय भट्ट पहुंचे थे जी। और वो धारचूला में दौरा करके यहाँ पर पहुंचे हैं। धारचूला में जो पिछले दिनों बादल फटने की वजह से जान माल की हानि हुई थी, वहाँ पर इंस्पेक्शन करने गए थे, निरीक्षण करने गए थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से तीन राउंड चक्कर लगाने के बाद विमान उनका जो हेलीकॉप्टर था वो उतर नहीं पाया। और उसके बाद यहाँ पर बीजापुर गेस्ट हाउस देहरादून पहुंचे और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग की और बीआरओ की बैठक निर्धारित थी और इस बैठक में मुख्य सचिव को आना था। तकरीबन आधे घंटे तक अजय भट्ट, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा राज्य मंत्री हैं, वो इंतजार करते रहे मुख्य सचिव का, लेकिन मुख्य सचिव यहां पर नहीं पहुंचे और उनकी अनुपस्थिति में ही प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी और अन्य अधिकारी, जो बीआरओ के अन्य अधिकारी हैं और पीडब्ल्यूडी के अन्य अधिकारियों के साथ अभी बैठक चली रही है। लेकिन चर्चा का बाजार गर्म ये है कि एक प्रोटोकॉल के अनुसार जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उस अगर उस बैठक में मुख्य सचिव को आना है तो उसमें बैठक में आना चाहिए मुख्य सचिव को, लेकिन मुख्य सचिव के यहाँ नहीं पहुंचने की वजह से चर्चाओं का बाजार गर्म है। और निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी है। बिल्कुल प्रवीण, अभी क्या कुछ उनका कार्यक्रम है अगर राज्य मंत्री की हम बात करें? बैठक चल रही है, चूंकि राज्य में जो उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण राज्य है, बॉर्डर बीआरओ जो है वो बॉर्डर एरिया में सड़क निर्माण का काम बीआरओ के द्वारा किया जाता है, जबकि बाकी जगहों पर पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण का काम करती है। तो कुल मिला के देखें तो इन दोनों के बीच किस तरह से समन्वय स्थापित हो, आपदा बारिश हो रही है, आपदा का समय है ये, कई जगह बादल फटने की घटना होती है और उसमें क्विक रिलीफ देने की बात होती है, रेस्क्यू की बात होती है, एसडीआरएफ को तैनात किया जाता है। बिल्कुल लगातार प्रवीण हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच देहरादून से ही एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, यहाँ पर आशा वर्कर्स और आशा फैसिलिटेटर्स को तोहफा मिला है। प्रोत्साहन राशि के तौर पर पैसे मिलेंगे और साथ ही साथ 5 महीने तक 2,000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। सीएम धामी के आश्वासन पर आशा सहयोगियों की हड़ताल यहां पर खत्म हो गई है। हर महीने 2,000 रुपए मिलेंगे।
वहीं मुख्यमंत्री धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी पर स्मारक पर सीएम पहुंचे थे और स्मारक पर वहां पर सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित किए, चंपावत में लोकार्पण किया गया है। तो खटीमा गोलीकांड के 26वीं बरसी के मौके पर शहीदों को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम धामी यहाँ पर पहुंचे। सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी के मौके पर सीएम यहां पर पहुंचे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, देहरादून से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस की तरफ से गौरव बल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार राष्ट्रीय संपत्ति को लूट रही है। साथ ही गौरव बल्लभ ने कहा कि पूरे देश की संपत्ति कुछ चंद लोगों के हाथों में बेची जा रखी है। गौरव बल्लभ यहां पर पहुंचे थे, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए, यहां की सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए तमाम बातें कही हैं। उधर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल धारचूला पहुंचे और आला अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। वहीं आपदा से हुए नुकसान को लेकर जानकारी ली गई। साथ ही सभी विभागों को पीड़ितों के लिए राहत पहुंचाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर सड़कें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, वहां पर राहत सामान पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद अब ली जा रही है। नगर है और ये खतरे की जद में आ गया है। जैसा बर्णावत हुआ था उत्तरकाशी में, वही स्थिति यहाँ पैदा हो गई है और बर्णावत की तरह इसका ट्रीटमेंट यहाँ किए। एक दूसरा, जो परिवार इसकी एकदम जद में आ गए, उन परिवारों को प्रशासन ने केवल नोटिस दबा दिया है कि आप सुरक्षित जगह पर चले जाइए। तो कहाँ से, किस सुरक्षित जगह पर जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, क्या व्यवस्था उनके लिए? प्रशासन को तुरंत जो खतरे की जद में आए हैं या जिनका मकान टूट गया है, उनको तुरंत प्रशासनिक व्यवस्था में उनका दूसरी जगह रहने का इंतजाम करना चाहिए और उसके बाद परमानेंट पुनर्वास बाद में ये सरकार करे, लेकिन अभी तुरंत पुनर्वास इनका होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 21 साल की बेटी जो कि दिल्ली पुलिस डिफेंस में 4 महीने की ही नौकरी कर पाई थी, जिसने अपनी आंखों में देश और अपने परिवार की सेवा करने के लिए कई ख्वाब संजोए थे, उसे जिस प्रकार से हवस के दरिंदों ने 27 अगस्त की शाम को बर्बरता के साथ कत्ल कर दिया, उसके खिलाफ बीती रात को उत्तराखंड मुस्लिम यूथ मोर्चे के बैनर तले मोहल्ला अली खान चौक से महाराणा प्रताप चौराहे तक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एमए राहुल और महानगर के अध्यक्ष समर खान के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैंडल मार्च में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और एक स्वर में अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। तो दरिंदों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया यहां पर और काशीपुर की बेटी को लेकर के आवाज़ बुलंद की गई है। मांग की गई है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, दरिंदों की गिरफ्तारी हो, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उधर उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने धारचूला में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौर में सरकार के मंत्री और सीएम हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, आज प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए विस्थापन जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की मांग को लेकर यूकेडी सड़कों पर उतरेगी और पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी। आपको बता दें कि काशी सिंह एरी धारचूला से विधायक भी रह चुके हैं। पार्टी का पुण्यतिथि था, वहाँ जा रहा था सुबह और जनेवा में जाके मुझे खबर लगी कि यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया, तो मैं फौरन लौट के यहाँ आया हूँ। वहीं रानी पोखरी के इलाके में जाखर नदी पर पुल टूटने की वजह से इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राजधानी देहरादून की सड़कों पर उतरे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज के ऑफिस का घेराव करने की भी कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग करते हुए रोक दिया। और इस दौरान आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड सरकार और मंत्री सतपाल महाराज पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार प्रदर्शन यहां पर सरकार के खिलाफ और ये कहा गया है कि सरकार विफल रही है लोगों तक सहायता पहुंचाने में। रानी पोखरी का जो पुल टूटा उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोला है, खासतौर पर भ्रष्टाचार और सरकारी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों को उत्तराखंड की वर्किंग राजधानी देहरादून से जोड़ने वाला जो मेन रास्ता है उसके ऊपर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पुल था रानी पोखरी और डोईवाला के बीच में, वो पुल टूट गया। 27 तारीख को ये पुल टूटा, आज 5 दिन हो गए।
क्योंकि लोग इस रास्ते को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और लोगों के अंदर चिंता है ये कैसे ठीक होगा, तो लोग ना परेशान हो रहे हैं। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो वो मेरे को भी अप्रोच कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कर्नल साहब आपने 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम करें तो आप क्यों नहीं आते हैं और आप आगे आकर के इस मेन जो हाईवे है इसको पुल को रिपेयर करके ठीक करें। तो मैं कुछ सुझाव सरकार को देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत एक्सट्रीम जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं वो हमने 11,000 फिट वो हमने माइनस टेम्परेचर में बर्फ के इलाके में वहाँ पे पूरे करके दिखाए हैं। तो हमने 48 घंटे में उस ब्रिज को, बेली ब्रिज को 30 मीटर लंबे सब विपरीत परिस्थिति में लॉन्च करके तैयार करा था, जिसके लिए कि PWD तब कह रही थी 35 दिन लगेंगे। आज मेरा सुझाव है कि क्योंकि ये प्रोसेस हमने कर रखी है और बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी है और लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं कि शायद हम इस चीज़ को कर सकते हैं, तो हम सरकार को बोलते हैं इस ब्रिज को बनाने का तरीका आप सबसे पहले तो इसके ऊपर टेम्प्रेरी बेली ब्रिज लगाइए, हमको टास्क दीजिए, हम बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी बने अपने एक्सपीरियंस को लेकर के आएंगे और वो ब्रिज लॉन्च करेंगे। देखिए आज आप देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में 32 पुल धराशायी हो गए और सैकड़ों पुल इस प्रदेश में जर्जर हो गए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने बूथों को मजबूत करने में लगी है, न कि इस प्रदेश के पुलों को मजबूत करने में। आज युद्ध बिखरा हुआ है, पूरा प्रदेश अस्त व्यस्त है। इनके अवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो विकास उत्तराखंड का हो रहा है उसमें, उस घटिया विकास में, उस घटिया प्रबंधन में उत्तराखंड की जनता का टैक्स का जो पैसा है वो बर्बाद हो रहा है, उसी के एवज में। क्योंकि जो रानी खेगा पुल आपने देखा होगा, जिसके लिए पिछले दिसंबर 2020 में 40 लाख रुपए इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसकी बुनियाद के रखरखाव के लिए दिया गया था, लेकिन 8 महीने बाद पुल भरभरा के गिर गया। उधर उत्तराखंड सरकार में गन्ना और श्रम सचिव हरबंस सिंह अचूक बाजपुर चीनी मिल पहुंचे। यहां पर उन्होंने चीनी मिल का निरीक्षण किया और समय पर पेराई सत्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने चीनी मिल के मरम्मत के काम को धीमी गति से चलने और अव्यवस्थाओं पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि प्रदेश की सरकार की ओर से उत्तराखंड की चीनी मिलों को समय से शुरू कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और इसी के चलते बीते दिनों उत्तराखंड शुगर्स के MD उदयराज सिंह ने चीनी मिल का निरीक्षण किया था। वहीं उत्तराखंड सरकार ने गन्ना और श्रम सचिव हरबंस सिंह चुग ने यहाँ पर चीनी मिल का निरीक्षण किया है, अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं देहरादून से खबर है, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष खंडूरी को बनाया गया है। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी इस वक्त की, पूर्व सीएम BC खंडूरी के बेटे हैं मनीष खंडूरी, रविंद्र विक्रम सिंह को यहां पर सचिव की जिम्मेदारी दी गई है, सुजाता पॉल को उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून से बड़ी खबर है ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से, और यहाँ पर पूर्व सीएम BC खंडूरी के बेटे को जिम्मेदारी दी गई है, रविंद्र विक्रम सिंह को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं उत्तराखंड के दुग्ध विकास विभाग के तहत घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। इसमें तमाम महिला पशुपालकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। घसियारी योजना के परिप्रेक्ष्य में पशुपालन और दुग्ध विकास मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड में इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। मंत्री रेखा आर्य ने यह भी कहा कि पहले 80 किलो के पैकेट में चारा मिलता था, इसे पहाड़ों तक पहुँचाने में तमाम दिक्कतें आती थी और समितियों को ये काम करना पड़ता था, लेकिन अब इस योजना के माध्यम से 20-20 किलो के जो पैकेट हैं अब वो तैयार किए जाएंगे और जिसको कहीं भी पहुंचाने में आसानी होगी। घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत मैं समझती बहुत जल्द से जल्द होने जा रही है और संभावना ये है कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो है हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। और मैं कहूँगी कि हमारे डेयरी सेक्टर में जो हमारे दुग्ध सहकारी समितियाँ हैं वह इस योजना से बहुत अधिक जो है लाभान्वित होने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले यदि हम साइलेज के विषय में बात करते हैं, पशुओं के चारा के विषय में बात करते हैं, तो दुग्ध सहकारी समिति की जो महिलाएँ हैं उनको वह चारा 80 kg के एक पैकेज में उनको मिलता है, जिसके कारण से पहाड़ पर उसका ढुलान, उसे वहाँ ले जाना जो है वह संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जो है अब सरकार ने एक नया प्रयास किया है कि पहाड़ पर घरों तक पहुंचाना वो संभव हो सके, उसके लिए 20 kg का जो है एक 20 kg का एक पैकेज जो है उसको बनाने की तैयारी चल रही है। और बहुत जल्द यह योजना जब लॉन्च होगी तो निश्चित रूप से दूसरे सहकारी समितियों को इस 20 kg के पैक के साथ में हर पशुपालक तक पहुँचना सुनिश्चित। वहीं मसूरी में मसूरी दून रोपे परियोजना को लेकर के शिफन कोर्ट से बेघर हुए 84 परिवार, सामाजिक संस्था, कांग्रेस और मजदूर नेताओं के लोगों के साथ 2 सितंबर मसूरी गोलीकांड के दिवस पर मसूरी के शहीद स्थल पर BJP के नेताओं को काले झंडे दिखाएंगे। वहीं मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के ओर से रक्षाबंधन के समय दिए गए उपहार की
होली जलाई जाएगी और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की ओर से ये बयान सामने आया है। वहीं पौड़ी गढ़वाल के इलाके में विधानसभा यमकेश्वर में धारकोट से तिलमिलानी मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद है और बीते चार दिनों से लगातार यहां पर बारिश और भूस्खलन की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। जगह जगह मलबा आ गया है। वहीं लोगों ने संबंधित विभाग और ठेकेदारों को इस बारे में जानकारी दी पर अभी तक लोगों का कहना है कि उनकी सुध नहीं ली गई है। वहीं उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने कहा कि इस संबंध में संबंधित विभाग और संबंधित ठेकेदार को अवगत करवा दिया गया है, जल्दी समस्या का निराकरण कर यहां पर ये मार्ग खोल दिया जाएगा, लेकिन लोग अभी परेशान हैं और प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ही देवभूमि की खबरों में मेरे साथ फिलहाल नहीं, नमस्कार।